हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज नागपंचमी है, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग के गांव में आज नागपंचमी के दिन क्या क्या बनता है। तो चलिए किचन में चलते हैं। अभी हम आ गए, अब दूध लावा रख के अब चल रहे हैं बनाने। ये देखिए, पकौड़ी के लिए प्याज, बैंगन, टमाटर काट लिए हैं, इधर मिर्चा, अदरक लहसुन का कूट लिए हैं, अदरक लहसुन को, और प्याज, हरा धनिया, इधर परवर का सब्जी बनाएंगे, भरवा परवर उसका अभी चल रहे हैं। पकौड़ी के लिए आलू फ्राई करेंगे उसका। ये सब आज हम लोग के यहाँ बनता है पकौड़ी, चावल, कढ़ी, पूड़ी, सब्जी। चलिए आज बनाते हैं। आलू फ्राई होने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई डालेंगे, राई हमको पसंद है इसमें। राई चटकने लगा उसके बाद थोड़ा मिर्चा कटा हुआ, इसमें थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। अब ये हो गया, इसमें लहसुन अदरक का कूटा हुआ, पेस्ट नहीं बनाया है इसको, कूट के डालें। इसमें हल्का सा हल्दी, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत जरा सा गरम मसाला, आधा चम्मच, बस। उसके बाद थोड़ा सा नमक, अब इसमें आलू डाल देंगे, हो गया। अब ये मेरा आलू अब भुना गया है, बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हो गया। अब इसी में हम वो जो परवर का निकाले हैं उसको बस थोड़ा सा तेल डाल के, ये हम काट लिए हैं परवर, इसका भी ये पूरा गूदा निकाल लिए हैं, एक साइड से काट के इसको पूरा गूदा निकाल लिए हैं। तो ये है, अब इसको थोड़ा सा भून के निकालेंगे इसको। इसमें थोड़ा तेल डाल दिए हैं, ये देखिए इतना, अब इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, भुना गया है, बस इसको निकाल लेंगे। अब इसी में तेल डाल के ये परवर को भी फ्राई कर लेंगे। तेल हो गया है, अब इसमें इसको डाल के ये जो भुने हैं ये बीज, इसको पीसना है, इसका पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इसी में दही डालेंगे दो चम्मच, दही के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। ये मेरा देखिए परवर हो गया है, अब इसको निकालेंगे गैस बंद करके। और ये जो ऊपर का काटे थे उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये जो ये अब कढ़ी के लिए पकौड़ा बना लें।
देखिए अब मेरा पकौड़ा हो गया है कढ़ी का। इसको ज्यादा टाइट नहीं करते हैं, पक गया है अभी ये, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें कढ़ी छौंक दें, तब से हो जाएगा। इसमें अभी डालेंगे मेथी दाना। बोल गए ये अदरक और लहसुन का थोड़ा सा ये छूटा हुआ, ये मिर्च छूटा हुआ और वो जरा सा प्याज। अब ये मेरा प्याज हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, बस। और इसमें कुछ मसाला नहीं पड़ता। उसके बाद ये डाल देंगे घोल जो बनाए हैं, बेसन और दही का घोल। अब इसमें नमक डालेंगे, बस। अब इसको पकने देंगे, अब एक उबाल आने के बाद तब इसमें पकौड़ा डालेंगे। ये मेरा कढ़ी पक रहा है, तब तक इसमें ये जो परवल फ्राई किए थे और ये आलू, इसमें इसको पूरा भरेंगे आलू को परवल में। इसको भर के ये जो कटा था इसके ऊपर का, इसी पे फिर इसको लगा देंगे अच्छे से, इसको अंदर करके लेना पूरा इस तरीके से भर के, फिर इसमें लगा देंगे ये इसी तरह पूरा परवल भर लेंगे। ये अब मेरा खोलने लगा था, अब इसमें पकौड़े डाल देंगे पूरा। पकौड़ा डालने के बाद फिर ये थोड़ा भी खौलाएंगे इसको। ये अब कढ़ी मेरा हो गया, अब उसमें तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा राई, उसके बाद थोड़ा सा हींग, राई चटक गया है तो उसमें हल्का सा मिर्च, उसके बाद रेड खड़ा मिर्च, फिर कड़ी पत्ता। ये हो गया मेरा तड़का तैयार कढ़ी का। कढ़ी तैयार हो गया, अब चल रहे इसमें तेज पत्ता, फिर थोड़ा सा जीरा, ये हो गया, फिर मिर्च, प्याज, ये मेरा प्याज हो गया, इसमें लहसुन और अदरक कूटा हुआ डाल दें। ये अब मेरा प्याज लहसुन अदरक हो गया है, अब इसमें एक बड़ा चम्मच थोड़ा बेसन डाल के भून देंगे। थोड़ा देर इसको भूनेंगे हल्का सा, बेसन को डालने से ना ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब मेरा बेसन हो गया है, अब इसमें हल्दी, मिर्चा पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा एक चम्मच गरम मसाला,
ये फिर जो पीसे थे दही और परवर का वो इसके बाद डाल दूंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी धुल के डाल देंगे, जो मसाला सूखा डाले हैं तो उसको पकने के लिए, और बेसन भी जो भुने हैं वो भी अच्छे से फिर पक जाएगा इसमें। ये मेरा मसाला हो चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हो गया मसाला, मेरा तेल छोड़ रहा है। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी इसी में जार में जो लगा था उसी में डाल देंगे, फिर घुला भी जाएगा। बस अब इसको ऐसे ही ढक देंगे, जब उबाल आ जाएगा उसके बाद परवर डालेंगे हम। इधर ये जो है टमाटर और इसका सब पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, तो टमाटर लेके ये आलू इस पे पूरा ऐसे दोनों साइड से आलू कर देंगे इसको, फिर इसको बेसन में लगा के छान देंगे। ऐसे ही पूरा टमाटर कर लेंगे। अब ये मेरा देखिए खौल रहा है, अब इसमें परवर डाल देंगे। बस इधर अभी थोड़ा हो रहा है, उसके बाद इधर हम पकौड़ा छानेंगे। अब ये देखिए अब मेरा पक गया है, ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें बस धनिया डाल के बंद कर देंगे इसको। ये एक टमाटर का, ये आलू टिक्की, ये ब्रेड, और ये एक बैंगन, और इसी में थोड़ा सा प्याज, ये देखिए अब मेरा हो गया। ये ब्रेड का, अब ये अब मेरा सब बन गया। अब बस ये पूरी निकाल ले रहे हैं, बस खाना तैयार। देखिए मेरा खाना सब तैयार हो गया। नाग पंचमी को यही सब बनता है हम लोग के यहाँ, चावल, कढ़ी, सब्जी, पूड़ी, पकौड़ी, सलाद, चटनी, यही सब। बस अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, आइए आप लोग भी खाने। अब जो भी गलती सही होगा उसको इग्नोर करिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और सुनिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।